अब सुशील केडिया भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या रीजन रख रहे हैं। गुड आफ्टरनून सुशील, लास्ट वीक जब आपसे बात हुई थी तब बाजार इस तरह के जोन में नहीं था, लेकिन आपने इंडिकेट दिया था कि बाजार यहाँ से करेक्ट हो सकता है और आपको गिरावट बड़े सेक्टर्स में लग रही थी, मेटल और आईटी की बात आपने की थी, वहां से रिबाउंड होगा। क्या फिलहाल अब भी यहाँ से यही लेवल दिखते हैं, अभी भी क्या आपको कॉशियस व्यू दिख रहा है, या फिर जिस गिरावट की बात हो गई थी वो ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि लगभग 300-400 पॉइंट गिर चुके हैं उन लेवल से जहां पर आपसे बात हुई थी? मैं आपको पिछले 3 सप्ताह से चेतावनी दे रहा हूं कि बाजार में बड़ी मंदी आएगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और खासकर बैंक निफ्टी जिसने आउट परफॉर्म किया था सबसे ज्यादा वो गिरेंगे, और सबसे ज्यादा ऑटो के शेयर्स गिरेंगे। आईटी जिस पर एक कंसेंसस बना हुआ है ग्लोबल मैक्रोस के कारण कि इससे कोई लेना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, और आईटी में इसीलिए आप देखोगे कि ज्यादा गिरावट नहीं आई। प्रतिशत के हिसाब से आप देखो तो 10% आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, इंडसइंड में जो 10-10% निकल गए, तो लार्जेस्ट फॉल्स बैंक्स में आए हैं। और एक बार फिलहाल के लिए अगर आपको बैंक्स ओवरसोल्ड लगते हैं, तो जब बाजार लंबा घसीटता है चाहे तेजी की तरफ चाहे मंदी की तरफ, ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स ज्यादातर धोखा देते हैं, सिग्नल कम जनरेट करते हैं। छिटपुट रिबाउंड आएंगे, आज भी गैप आपके साथ खुल गया 10 रुपए, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर खुल गया और 2 घंटे के बाद कल के भी लेवल से नीचे आ गया। तो बैंक्स और ऑटोस में बड़ी घसीट अभी भी बनी हुई है, मैं सिर्फ गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है घसीट दिए जाएंगे, बहुत स्पष्ट शब्द हैं। मारुति जिस पर एक तगड़ा बुलिश कंसेंसस बना हुआ है, हमने 3 दिन पहले ट्विटर पर भी पोस्ट किया था, अपने सब्सक्राइबर्स को तो ऑफकोर्स सबसे पहले बताएंगे, तो मुझे लगता है मारुति ने 6,500 की चाल पकड़ ली है, वो रातों रात नहीं होगा, 1.5-2 महीने लगेंगे और बीच बीच में उछाल आएंगे। तो ऑटोस के स्पेस में मैं टाटा मोटर्स को छोड़ के जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मुझे लगता है सब में बेच के ही पैसा बनेगा, और टीवीएस मोटर्स जिसने अभी तक गिरावट में अपनी साझेदारी को व्यक्त नहीं किया है, वो बस इठला रहा है, वो किसी भी टाइम ब्रेकडाउन में आएगा, तो मुझे लगता है ऐसे 50% गिर जाए टीवीएस मोटर्स अगले 3-4 महीने में तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और एक एफएमसीजी स्टॉक जो बिल्कुल बाजार के खिलाफ चलता चला गया, आईटीसी, और जिसको हमने पिछली दिवाली पर आने वाली दिवाली तक का रसगुल्ला स्टॉक नाम दिया था, वो 200 से जो 340 तक जो चला गया वो एक चाल पूरी हो चुकी है, और अब आईटीसी में भी बेचने के सिग्नल्स आ गए हैं। पर आईटीसी अगर 275 तक भी करेक्ट हो जाता है, 200 वाला 200 से 340 जाकर 275 तक, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इस तरह के करेक्शंस हम रोज रोज के सौदे भी नहीं करते और वो रिकमेंडेशंस भी नहीं है। आप 1.5-2 महीने का परस्पेक्टिव ले तो आईटीसी में भी एक करेक्शन है। इस बीच अगर आप देखोगे रिलायंस बहुत ज्यादा ऑलरेडी करेक्टेड है, कल भी उसने बाई सिग्नल जनरेट करके आज सवेरे बाई सिग्नल फेलियर हुआ, वापस मुझे लगता है क्लोजिंग में बाई सिग्नल दे सकता है। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग तरीके से चलकर निफ्टी का ये जो एवरेज मूवमेंट है उसको बना रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कोई रिलायंस में 5-6% तक का भी उछाल बन जाए बाकी कंटिन्यूड सेलिंग का अब्सॉर्ब करने में, तो सारांश और समअप में ये करो, आईटी के स्टॉक्स को हम बेच के कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे उन्हें लेने का। सीमेंट में भी अब हम किसी भी टाइम वापस अपनी लेवाली बनाना शुरू कर सकते हैं सिग्नल आने पर। ऑटो और बैंक्स के अंदर हमें किसी भी तरह के रहम करने की जगह नहीं दिखती। मेटल्स के स्टॉक्स अभी थोड़े मिक्स्ड हैं, और आउट ऑफ दी सेक्टर्स कुछ कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में दो तरफा ट्रेडिंग के बाजार में बड़े गेंस बन सकते हैं लेकर भी, जैसे कि DLF इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट इंडिया बुल्स हाउसिंग, रिलायंस भी हो सकता है उस बाई लिस्ट में आ जाए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी 1-2 दिन में बाई आ सकता है, तो छिटपुट नॉन सेक्टोरल लार्ज कैप लिक्विड नेम्स में कुछ बाई के मौके बन सकते हैं, बट ब्रॉड ट्रेंड ऑटो और बैंक्स घसीटे जा रहे हैं और घसीट मुझे बंद होती नहीं दिख रही। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एकदम इतनी धमाकेदार कॉल, और मैंने जब लास्ट टाइम आप आए थे उस समय आपने फिर बोला था बाजार जबरदस्त तेजी में था कि जी नहीं ये रैली टिकेगी नहीं, बाजार कस के गिरेगा, तो ये कन्विक्शन लेड कॉल है, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत ही शानदार, ये ग्लोबल कॉल थी आपकी, मुझे याद है, अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा ये बात। दूसरी आपकी कॉल थी कि बैंक्स को भी छूइए मत, जी हाँ बैंक्स गिरे हुए हैं, आपने उसमें भी कॉशन दिया था कि अभी वहां सेलिंग पूरी तरह ओवर नहीं हुई है, तो ये दोनों कॉल्स तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपकी याद आ रही हैं। ऑटो पे भी आपने कहा था अभी समय नहीं आया है, अभी एग्जॉस्ट होने दीजिए। अभी रिलायंस का जो थोड़ी डिफरेंशिएटेड कॉल आपने दी है, और जो बड़े दिग्गज हैं बाजार के एरियाज, कुछ और जगह कुछ सेलेक्ट स्टॉक जैसे कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, वैसे ही 1.5-2 साल में इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म किए हुए हैं।
अगर बैंक यहां से ओवरसोल्ड होते हैं और गिरावट के बाद, क्या इन कुछ सेलेक्ट नेम्स की तरह देखना उचित होगा? अगले महीने भर की दृष्टिकोण से हम चले और अगले करीब करीब 15 दिन का सौदा रखें, मुझे नहीं लगता कि HDFC बैंक या कोटक में कुछ भी ऐसा स्पेशल है कि ये इंडसइंड, ICICI, SBI की तरह लुढ़कना बंद करेंगे। सारे लार्ज बैंक्स सेल मोड में हैं, स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में हैं, और जो हमारा कॉल था कि जो छोटे इग्नोर्ड बैंक्स हैं उनको हम डिलीवरी लेके रखेंगे और सामने लार्ज बैंक्स को बेच के रखेंगे, तो कुछ भी मुझे विलक्षण बात नजर नहीं आ रही, चाहे वो कोटक हो चाहे HDFC बैंक हो। ठीक है, इंडसइंड और एक्सिस बैंक थोड़े से हायर बीटा हो जाते हैं उसके लार्ज कैप्स, उनकी लुढ़कान ढलान जो है वो थोड़ी तीव्र ज्यादा हो सकती है, पर कोटक या HDFC में अभी भी कुछ भी डिफरेंशिएटेड अजय जी नजर नहीं आ रहा है। कुछ और कंज्यूमर नेम्स के बारे में बात करते हैं, एशियन पेंट्स, HUL, आपने ITC तो बोला, वाकई ITC चल भी रहा है काफी बढ़िया, एशियन पेंट्स और HUL पे क्या है? जितना चलना था अब ITC में शॉर्ट सेल का कॉल आ गया है। अच्छा, आ गया, हो गया वहां की स्टोरी ओवर, अब हम ITC में शॉर्ट साइड पर हैं। ओके, एशियन पेंट्स और HUL की तरफ क्या व्यू है? स्टॉप लॉस लगा के बार बार इसको बेचने की कोशिश की जाए। एशियन पेंट्स देखे, लीवर पे भी लगातार जब वो बात हो रही थी ना, बिस्कुट लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये वॉर हो गया रशिया का और गेहूं महंगा हो जाएगा, और हमारी आपसे बात हुई थी 1900 के आसपास के भाव में कि देखते देखते लीवर अगर नए हाई पे चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, कितना भी बाजार घट जाए लीवर नहीं घटता है, और लास्ट 2-3 दिनों से जो थोड़ी सी मजबूती का उसने रुख बनाया वो इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, कोई इमीडिएटली अब इस भाव से लेके लीवर में अगले 7 दिन में जब तक मैं आपसे मिलूंगा कोई कमा ले ऐसा कोई बहुत दावा कर सकने लायक मुझे चार्ट नहीं दिखते, पर लीवर पेंट्स और एशियन पेंट्स को भी बेच के भी कमा लेंगे ऐसा नहीं लगता, थोड़ा सा मजबूती का रुझान बना रहेगा पर खास कुछ ट्रेंड नहीं दिख रहा उनमें, और बाकी के भी जो FMCGs हैं वो घूम फिर कर बेच के कमाना कठिन ज्यादा लगता है, उनमें 5-7% घटेंगे, निफ्टी 10-12% घट जाए और ये बैंक्स और भी यहाँ से 15% घट जाए, तो इसलिए जहां पे वही पुरानी बीमारी हमारी कि हमें मोटी मलाई खानी है, छाछ नहीं पीना है, तो ये बाकी के सेक्टर्स में थोड़ा छाछ पीने जैसे ही चार्ट दिख रहे हैं, और जो अदर कंज्यूमर नेम्स में जो ITC बिल्कुल पूरे बाजार से अलग और पूरे सेक्टर से अलग चला कि वो अलग ही ऑर्बिट पे था, तो वो ऑर्बिट उसकी पूरी हो गई लगता है। आपने बात की जब शुरुआत की ना, तो आपने ये बोला कि 3 हफ्ते से आप हमें कह रहे हैं कि बड़ी मंदी आएगी, भारी मंदी आएगी, 3-400 पॉइंट करेक्ट होने के बाद अब हम जिन लेवल्स पे बैठे हैं, हमने एक बार 200 DMA तो तोड़ दिया, 17,000 क्या 16,990 के पास होता है वो, तो 18,100 से 16,800 जो आ गया तो 1,300 पॉइंट हुए, 3-400 पॉइंट कहाँ हुए, आप वहां से कितने 18,150 के हाई से हमने 16,800 दिखाया हुआ, अभी तो 1,350 पॉइंट गिर गए। ये बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि जब हमने आपसे पिछली बार बात की, बाजार में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिख रही थी उस समय ये बताना कि गिरावट और गहराएगी बोल्ड कॉल थी और आप सही थे सुशील जी, लेकिन ऐसे में जहां सेक्टर्स की बात करें क्विकली आपकी राय में केमिकल प्लेस पर भी जानना चाहूंगी, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स पर लगातार फोकस है और खबरें भी कई सारी आ रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह ही टाटा केमिकल्स की भी हम बात कर रहे थे, यूरोप से जो चैलेंजेस हैं उसका फायदा भी इन स्पेसेस को मिल रहा है, केमिकल प्लेस में आप कहां पर नजर बना रहे हैं? केमिकल स्पेस के अंदर जितने भी स्टॉक्स का एमाइंस के साथ नाता है चाहे नाम में या व्यवसाय में, उन सब की चार्ट्स अच्छी लग रही है, कोई भी डिप आए तो उनको दबोचना चाहिए, लेना चाहिए, और दीपक नाइट्राइट जैसा स्टॉक भी जो आग आग लग जाने के बाद से बिल्कुल आउट ऑफ फेवर हो गया था, अब उसकी चार्ट भी बाजार की ऑर्बिट से अलग, क्योंकि शेयर बाजार की इंडेक्सेस पे तो आग अब लगी, दीपक नाइट्राइट की फैक्ट्री में पहले लग गई, तो उसने जो भी पाप धोने थे लगता है धो लिए, तो दीपक नाइट्राइट भी मिल गया।